न्यूज पर आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर। आगरा से ही नेपाल पाकिस्तान तक पहुंचा ईसाई धर्म। क्रिसमस पर दुनिया में सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। भारत में भी चर्च से लेकर घरों तक को सजाया गया है, लेकिन यह बहुत कम लोगों को पता होगा कि उत्तर भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की शुरुआत ताज नगरी से हुई थी। इसके आधारशिला सम्राट अकबर के दौर में रखी गई। एक बार फिर पीएम से मिले सीएम योगी। सीएम योगी ने शनिवार को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। 8 महीने बाद दिल्ली में दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात करीब 90 मिनट तक चली। इस लंबी मुलाकात को सियासी नजरिए से काफी अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच 2024 की जमीन मजबूत करने को लेकर मंथन हुआ। इसके अलावा यूपी में 6 एमएलए सीटों के ऐलान और यूपी बीजेपी के नए संगठन पर चर्चा हुई। लखनऊ के प्रमुख चर्चों के बाहर सुरक्षा बढ़ी। लखनऊ में क्रिसमस के चलते प्रमुख चर्चों के बाहर सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। साथ ही मुख्य चौराहों और बाजारों में हुड़दंग करने वालों पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं हजरतगंज समेत क्रिसमस को देखते हुए कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। माघ मेले में एंट्री के पहले होगी कोरोना की जांच। संगम नगरी प्रयागराज में एक तरफ माघ मेले की तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी ओर कोविड से बचाव के लिए विशेष इंतजाम भी हो रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगम तीरे आयोजित होने वाले माघ मेले की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक भी की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड से बचाव के लिए अलर्ट रहे। मेले में कोरोना की जांच, सैंपलिंग व वैक्सीनेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। राट में काम ना मिलने से मनरेगा मजदूर हुए परेशान। हमीरपुर में राट क्षेत्र में गोहाट विकास खंड के हरदुआ बड़ेवा गांव में ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव मनरेगा के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों को जेसीपी से करा रहे हैं। इससे गांव के मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा, वहीं मजबूरी में ये गांव छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। विधायक इरफान के मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे। सपा विधायक इरफान सोलंकी के सभी मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की कोर्ट ने अनुमति दे दी है। पुलिस कमिश्नर ने इरफान के सभी मुकदमों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए जिला और सेशन कोर्ट से अपील की थी। अब इरफान को जल्द से जल्द सभी मामलों में सजा दिलाने के लिए पुलिस कमिश्नर की टीम प्रयास करेगी। इरफान के खिलाफ दर्ज मुकदमों में उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। उन्नाव में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम का छापा। उन्नाव में क्रिसमस और नए वर्ष को देखते हुए डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नगर में छापेमारी की। टीम के छापेमारी की सूचना पर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में कुछ दुकानदार दुकान बंद करके भाग निकले। वहीं टीम ने पोनी रोड और जांचमो की 3 ब्रेकरी से केक के नमूने के लिए भेज दिए हैं। यह छापेमारी उन्नाव में बीती रात तक चलती रही। कानपुर में बूंदाबांदी के बाद बढ़ी ठंड। मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। कानपुर में शुक्रवार रात हुई बूंदाबांदी के बाद शनिवार सुबह भी बादलों की आवाजाही बनी हुई थी। तापमान कम होने से रात में ठिठुरन रही, मगर दिन में धूप से राहत भी मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज से पूरे कानपुर मंडल में बादल छाए रहेंगे। पश्चिम विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर 26 व 27 दिसंबर को हल्की बारिश और हिमपात होगा। इसका असर मैदानी इलाकों पर पड़ेगी। वहीं तेज बर्फीली हवाएं चलेंगी, जिससे शीतलहर आ जाएगी। डीएम और एसपी ने किया रैन बसेरे का निरीक्षण। कानपुर देहात जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए देर रात रैन बसेरा का अचौक निरीक्षण किया। रैन बसेरे में मौजूद लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों को रैन बसेरे की व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। लखनऊ में 2 दिन तक चलेगा अटल स्वास्थ्य मेला। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ कर दिया गया है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विकास नगर मिनी स्टेडियम कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया जाएगा। आम जनता के लिए स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार की व्यवस्था के लिए 60 से अधिक सरकारी व निजी चिकित्सालयों के स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल यूपी की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए।
इंडियन प्राइम न्यूज़। नमस्कार।